हेलो माय क्रिएटिव सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम डीआईवाई करने जा रहे हैं वो है इंसेंस स्टिक होल्डर, जिसे हम अगरबत्ती स्टैंड भी बोलते हैं। हम वो क्ले से बनाने जा रहे हैं। तो लेट्स सी हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें ऐसे एक्रेलिक कलर चाहिए होंगे, हमें गोल्ड कलर चाहिए होगा। जो मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिका का एक्रेलिक कलर है। आपके जो गोल्ड कलर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये गोल्ड कलर हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो फैब्रिका का एक्रेलिक में पर्ल आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें पेन ब्रशेस चाहिए होंगे, ऐसे कटर, आप नॉर्मल नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे परमानेंट मार्कर जो मेटालिक में आता है। पर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल जो हम लोग एक्रेलिक का गोल्ड कलर यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट दैट परमानेंट मार्कर से आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा हम ऐसे कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जस्ट टू क्लियर द एजेस ऑफ द क्ले। आप इसके अलावा ऐसे कॉम्पस या डिवाइडर भी ले सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क रियली फाइन। इसके अलावा हमें वार्निश चाहिए होगा एंड ऑब्वियसली हमें ये फेब्रिकल का मोल्डेड चाहिए होगा। आप देख सकते हैं कि ये 50 ग्राम का पैकेट है, हम टोटली 100 ग्राम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ ऐसे दो पैकेट। फाइनली हमें ऐसे लिड चाहिए होगा। जितना भी बड़ा आप अपना स्टैंड बनाना चाहते हैं, आप छोटा भी बना सकते हैं, मैं बड़ा बना रही हूँ सो दैट जब हम अगरबत्ती को जलाएं तो उसके एशेस इसी पे गिरे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आप ऐसे एक बटर पेपर या प्लास्टिक शीट अपने टेबल पे स्टिक कर लीजिए। फिर रेजिन और हार्डनर हम लेंगे। मैं टोटल 100 ग्राम ले रही हूँ और उसे एक साथ ही मिक्स कर रही हूँ। तो वंस आपका रेजिन और आपका हार्डनर अच्छे से मिक्स हो गया है, आप अपने बटर पेपर पे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डाल लीजिए कि आपका क्ले चिपके ना। उसके बाद आप कोई भी बॉटल लेके उसे रोल कर लीजिए। देन जो भी आपका लिड है आप उसे अच्छे से लेके प्रेस कर लीजिए सो दैट यू गेट एन आउटलाइन सो यू कैन कट ईजिली। तो जब हम अपनी ये क्ले एक्स्ट्रा जो है वो कट करेंगे, वी आर नॉट गोना थ्रो दिस क्ले, वी आर गोना यूज दिस ऑल्सो। हमें इस क्ले को 60-40 रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब एक बड़ा होना चाहिए, दूसरा थोड़ा छोटा होना चाहिए एंड इसके अच्छे राउंड बॉल्स बना लेने हैं। अभी आप पानी लेके सारे एंड्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और ऐसे कोई शार्प चीज़ लेके, या आप टूथपिक भी ले सकते हैं या डिवाइडर लेके, जो ऊपर वाला एज है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अभी आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने कुछ घंटे इसे सूखने के लिए रख दिया था और ये एकदम अच्छे से ड्राई हो गया है। आप अभी कोई ऐसा कोई सैंड पेपर ले लीजिए और इसके सारे एजेस को अच्छे से सैंड कर लीजिए सो दैट सारे एंड्स एकदम स्मूथ हो जाए। अभी हम लोग वाइट एक्रेलिक कलर लेंगे और एक बेस कोट डालेंगे। पर अगर आप कोई और एयर ड्राई क्ले यूज़ कर रहे हैं जो वाइट है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं।